जुलवानिया रोड पर संचालित हो रही औद्योगिक संस्था जवाहरलाल नेहरू एग्री प्रोड्यूस सोसाइटी मर्यादित खरगोन सूत मिल में 8 दिसंबर से कामकाज बंद कर दिया गया है। बिना किसी सूचना के काम बंद होने से आक्रोशित श्रमिक और कर्मचारी मिल प्रबंधन के इस निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिकों ने मिल प्रबंधन पर मनमाना निर्णय लेने सहित आर्थिक अनियमितता बरतने की शिकायत कलेक्टर सहित सहकारिता विभाग को की है। धरना प्रदर्शन के करीब 20वें दिन बुधवार दोपहर करीब 3 बजे दूसरी बार श्रमिकों के बीच पहुंचे। इसके पहले 21 दिसंबर को भी उन्होंने श्रमिकों से चर्चा की थी। उपायुक्त से चर्चा में श्रमिकों ने बताया कि मिल बंद होने के बाद से आज तक MD या अन्य किसी अधिकारी ने उनसे चर्चा नहीं की और न ही दोबारा मिल कब शुरू होगी और होगी भी या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने बताया मिल प्रबंधन ने 15 जनवरी को मामले के निराकरण को लेकर बैठक का सूचना पत्र गेट पर चस्पा किया है। मिल प्रबंधन निराकरण की पहल के लिए कोई सहयोग नहीं कर रहा है। यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। आर्थिक लेन देन की भी जाँच कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। यहाँ पर उपस्थित होना यह दर्शाता है आप लोगों के प्रति विभाग की सहानुभूति भी है, संवेदनशीलता भी है और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों की जो ये समस्या है, जो धरना प्रदर्शन है, यह किसी निर्णय पर आकर के वो समाप्त हो जाए और इस पूरे जो अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है इस पर भी साहब ने काफ़ी कुछ अपने हिसाब से एनालिसिस भी किया है, क्योंकि यह आप लोगों को आगे आपके भविष्य के बारे में और कार्य के बारे में कब से आप लोगों को बुलाया जाएगा कार्य में। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है संस्था की आर्थिक स्थिति, तो संस्था की आर्थिक स्थिति जानने के लिए साहब ने आज ही एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वो पूरा विश्लेषण करेगी और किन जो विकल्प है उन विकल्पों पर विचार करेगी और आपका जो मैनेजमेंट है, प्रबंध संचालक है, उन सभी को जो विकल्प विभाग निकालेगा उसके संबंध में सूचित करेंगे। जी देखिए DR साहब की ये तीसरे पक्ष की बात थी, तीसरी बार आए DR साहब हमारे बीच में। DR साहब ने आश्वस्त किया है हमारे को कि मैं 3 सदस्यीय टीम बनाऊंगा और आर्थिक की मैं जांच करूंगा, मिल की आर्थिक स्थिति की जांच करूंगा और कल तक आपको कोई ना कोई निर्णय मिल जाएगा। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी तो कोई मांग नहीं है, हमारे को काम नहीं मिला है, हमारे को बाहर कर दिया है, सूत मिल से बाहर कर दिया है, गेट के बाहर धरने पे बैठे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मैनेजमेंट या तो हमको बता दे कि कब तक मिल चालू होगी और उसका हमारे को क्या वेतन दिया जाएगा। मिल जब चालू होगी जब आ जाएंगे, वो सिर्फ एक लाइन का नोटिस लगा दें कि इतनी इतनी तारीख को इतने इस महीने में मिल चालू हो जाएगी और आपको उसका वेतन आधा 50% 75% या नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी लगा दे तो हमारे को भी समझ पड़े कि हमको आगे क्या करना है। DR ने अभी प्रतिनिधि मंडल भी बनाया था बीच में, तो मिल प्रबंधन ने आपसे और सहकारिता विभाग से कुछ सामंजस्य बिठाया? अभी तक बात हुई है, एक बार की बैठक हुई थी, उसके बाद में मैनेजमेंट ने कहा था कि हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी और भैया से बात करेंगे, उसके बाद में आपको अवगत कराएंगे। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी ने बात नहीं की? नहीं, हमारे से अभी तक मिल संबंधी कोई, जो DR साहब के समक्ष मीटिंग हुई थी उसके अलावा हमारे कोई भी अधिकारी ने हमारे से कोई बात नहीं की। क्या नाम है? सुधीर शुक्ला। अमरीश वैद्य मेरा नाम है। ये जो लंबे समय से इनका धरना चल रहा है, इसमें मैं धरना कर्मियों के साथ 4थी बार आके बैठा हूँ और 2 बार इनके मैनेजमेंट से मेरी बात भी हुई है। बड़ा खेदजनक है कि 2 बार की बातों में प्रबंधन के द्वारा पर्याप्त सहयोग नहीं किया जा रहा है। तात्कालिक समस्या इनकी ये है कि 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक है शुगर फैक्ट्री और एक है सूत मिल। तो मैंने इनसे अनुरोध किया था कि पर्याप्त कम्युनिकेशन हो, इसके लिए सूत मिल का एक इंडिपेंडेंट अधिकारी होना चाहिए। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सोमवार तक कर देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं है जिससे बात हो। तो ये जो पिछले दिनों से मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन है, इसको लेके मैं अपने पूरे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव सहित कि तत्काल क्या होना चाहिए, मैं आज ही अपना एक पूरा प्रस्तावना और एक कड़ा लेटर भेज रहा हूँ। एक तरह से प्रबंधन प्रशासन से भी और श्रमिकों से भी सहयोग नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर सोमवार तक उनको एक इंडिपेंडेंट अधिकारी नियुक्त करने की बात थी और उनकी सहमति थी और उन्होंने नहीं किया, तो लग रहा है कि प्रॉपर समन्वय इनकी तरफ से नहीं है। नोटिस भी लग गया है। जो नोटिस लगा एक्चुअली इसका स्वरूप ठीक नहीं है। हम लोगों की इनके प्रतिनिधियों के साथ बात हुई थी, तो सामान्यतः क्या होता है, जो कोई समस्या होती है उसमें कुछ चीज़ें तत्काल निराकृत हो सकती हैं, तो तत्काल निराकरण योग्य भी सूचना पटल में कोई दिख नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल एक प्रॉपर वे में सूचना पत्र इनका जारी हो जाए। क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं जिले का एक अधिकारी हूँ, तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रस्ताव के साथ दूंगा कि साहब मेरा अनुरोध है कि तत्काल ये चीज़ें की जाए। आज मेरा प्रस्ताव जा रहा है। सर, शुगर मिल वाला एमडी साहब है जो आ नहीं रहे, तो इससे आप सभी बड़ा पद है या सुन नहीं रहे आपकी? नहीं, देखिए बोलचाल में ये तो नहीं कहेंगे हमसे बड़ा पद है। इन सब आ क्यों नहीं रहे जब आप मजदूर बैठे हैं यहाँ, इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ये निराशाजनक स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं चलता रहेगा। कोई एक आदमी का भी खुदा नहीं होता है। संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल रहा ना यार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।